Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy. हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे आज है आज है ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था जो ट्रिपल टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का उसका रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए तो मैं वहीं जा रही हूँ सुबह, सुबह सुबह दस बजे और बस मैगी खा के हम लोग अपना ब्रेकफास्ट में हमने आज मैगी खाया और मैगी खा के और आटा गूंध के मैं निकल रही हूँ क्योंकि खाना बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था साढ़े सुबह के बज रहे थे फ़ाइनली फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई कम से कम आधे घंटे का रास्ता है ये और यहाँ पहुँच के सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी भी यहीं पे हुई थी और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था यहाँ पे तो मैंने सोचा मैं सेकंड डिलीवरी के लिए भी यहीं पर आऊँ और बाहर आप देख सकते हो कैबिन के बाहर कितनी भीड़ लगी होती है बहुत सारे पेशेंट होते हैं और अपॉइंटमेंट भी पहले से ही लेनी पड़ती है तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए फिर आई थी मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था उन्होंने कहा था कि जाके आप पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आओ तो मैं ऊपर यहाँ आकर अल्ट्रासाउंड सेकंड फ्लोर पे करवाने आई फिर दो ढाई बज गए थे मुझे दस बजे से गए गए उसके बाद भूख लग गई तो हम बाहर खाना खाने के लिए आए ट्वेंटी फोर इंटू सेवन पहले तो बैठ के खाने की बहुत अच्छी जगह थी लेकिन ना अभी बिल्कुल बंद कर रखा है सब कुछ तो अब मैंने कहा हम कहीं और खा लेते हैं तो राजमा चावल लिया हमने यहाँ पर और छोले कुलचे लिए राजमा चावल राहुल ने लिया छोले कुलचे मैंने लिए और एक एक गिलास जूस पिया उसके बाद हम वापस आए डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के डॉक्टर ने कहा क्वेट टेस्ट करवाना है तो ब्लड टेस्ट के लिए हम नीचे पता करने आए कि उसके चार्जेस क्या हैं कैसे होगा थोड़ा दर्द दर होना चाहिए इसको ले लीजिए राहुल थैंक यू

उसके बाद हमने मेडिसिनस ली और साढ़े चार बज चुके थे शाम के हमें आते आते अभी हमें छोटी छोटी भूख लग गई थी तो सैंडविच ली हमने खाने के लिए और फिर हम घर की तरफ निकल पड़े राहुल ने बोला उनको ऑफिस जाना है उनको काम था वैसे उनकी एक बजे की मीटिंग थी लेकिन मेरी वजह से उनको बहुत लेट हो गया था तो साढ़े चार बजे उनको जाना था तो उन्होंने कहा सुमित को बुला दिया मेरे भाई तो इस साइड माइकी की साइड उन्होंने मुझे छोड़ा और सुमित को बुलाया सुमित के साथ बाइक से सीधा मैं घर गई मैं अपने घर नहीं गई क्योंकि वहाँ पर पुच्छू घर पर थी अपने बाबा दादी के साथ और बार बार मुझे फ़ोन करके पूछी थी कब आओगी मम्मी आपके बिना मन नहीं लग रहा अच्छा तो नहीं लगता ना एक को छोड़ के जाना लेकिन क्या करूँ हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकती और बहुत रो रही थी वो कि खाना खाना आपके हाथों से आप जल्दी आ जाओ और तो उसके बाद फिर मेरे को जल्दी थी घर पहुंचने की उससे मिलने की भी बहुत जल्दी थी मुझे और अब मैं रात को डिनर शेयर कर रही हूँ आपसे जो मैंने बनाया था मम्मी जी ने मुझे कहा था गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए जो डिफरेंट तरीके से था ऐसी सब्जी मैंने पहले एक नहीं बनाई थी बस उन्होंने बोला था तो मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उन जिस तरह से ऑरली मुझे बता दिया मैं ट्राई कर रही थी जिससे मैंने बेसन लिया उसमें दही डाला कसूरी मेथी डाली लाल मिर्च पाउडर डाला हल्दी डाली जजवाइन डाला नमक डाला और इसके बाद इनको इन इनको अच्छा सा एक घोल बना लिया जैसे पकोड़े के घोल होते हैं ना उस तरह का घोल बना लिया पानी डाल करके और उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला और मम्मी जी ने इसको कहा था हलवे की तरह ही बनाना होता है और उसको फिर फ्लैट कर देना होता है और मैंने कभी बनाया था जब तक हम कुछ बनाते नहीं हैं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमसे गलतियां होती हैं तो मैंने इसमें गलतियां की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं ज़रूर हर इंसान परफेक्ट हो और परफेक्टली सब कुछ बनाता है लेकिन गलती होने के बाद भी बहुत ही अमेजिंग बन तैयार हुआ तो आगे देखिएगा मैंने क्या किया है उसके बाद मैंने इसे पानी डाला उसके बाद मैं बना रही हूँ मसाले इसके लिए जिसके लिए मैंने खड़े मसाले ले लिए दाल जीरा लौंग इलायची जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप ले लीजिए वो सब लेने के बाद में इसमें हरी मिर्च अदरक अदरक थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने और लहसन भी थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने वो डाल करके पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है हमें और ये पेस्ट आपकी रेसिपी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंग करेगा तो इसे ज़रूर बनाइएगा उसके बाद एक पैन है मैंने लिया तेल और नमक वगैरह पहले से डाल चुकी थी इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला और सीधा जो घोल बनाया था मैंने बेसन का ये मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया इसके बाद इसे लगातार हमें चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने और मैं भी बिना एक्सपीरियंस के काम एक कर रही थी मुझे बस मतलब जैसा बोल दिया गया वैसा मैं बनाने की कोशिश कर रही थी उसको चलाते चलाते इस तरह से ये थोड़ा सा थिक होता जा रहा है होता जा रहा है जैसे हलवे की तरह फिर मैं इसे मिलाती रही ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना बने जितना जितना मुझे समझ था मैं उस तरह से इसे कर रही थी उसके बाद जब ये बन गया जब मुझे लगा कि हाँ ये हो चुका है वह सेट होने के लिए रख देती हूँ मैं इसको एक घंटे के लिए तो मैंने इसी बर्तन में इसे छोड़ दिया तब तक मैं बना रही थी ग्रेवी जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला उसमें फिर छौंक लगाए कसूरी मेथी और जीरा डाल करके और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मिर्ची सिलट करके हरी मिर्च और उसके बाद मैं इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और इसमें ना फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना और तेल को बहुत गर्म नहीं करना ताकि धनिया पाउडर जले ना हमारा धनिया पाउडर डालने के बाद इसको अच्छा से सॉटे करिए उसके बाद मैं इसमें डाल दिया करी पत्ता करी पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी में करी पत्ता के बाद मैं इसमें हल्दी डाल दी और फिर इनको अच्छा से एक मिक्स दूंगी मैं अभी फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि ज़्यादा हाई रहेगा ना तो मसाले जल सकते हैं तो उनको बिल्कुल भी हाई मत करिएगा उसके बाद उसमें डाल दिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से ना सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है और आप एवरेस्ट का यूज़ करिए उसका भी बहुत अच्छा होता है कश्मीरी लाल मिर्च और तीखा बिल्कुल नहीं होता उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था खड़े मसालों का और अदरक लहसन का वो पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दिया और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं जब तक इनसे ऑयल रिलीज़ ना हो जाए आप देखिए कितना टम्पटिंग सा मसाला बन के तैयार हुआ है फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी और पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी मैं और ये सारा फ्राई हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं है मीडियम आप कर सकते हो थोड़ा कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए पर हाई बिल्कुल मत करिएगा और अब आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है हमारा पेस्ट हमने डाला था उसके बाद मैंने इसमें दो प्याज़ का पेस्ट बना दिया उसके बाद प्याज का प्याज का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला उसको भी बहुत अच्छे से हमें कुक करना है प्याज का कच्चापन जो है वो जाना चाहिए बिल्कुल उतनी देर तक आपको कुक करना है और ये सारा कुकिंग प्रोसेस आप मीडियम फ्लेम पर ही करिएगा जब प्याज में से भी ऑयल रिलीज़ होने लग जाए दैट मीन्स वो पक चुका है और स्मेल भी उसकी चली जाए जो कच्ची कच्ची स्मेल आती है तो मैंने इसमें सिर्फ एक टमाटर की प्योरी बना करके डाली है बहुत ज़्यादा नहीं पर अगर आपको खट्टापन चाहिए सब्ज़ी में तो आप दो तीन टमाटर भी यूज़ कर सकते हो मतलब टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड है कि आप किस तरह से फेड बदल करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो और टमाटर डालने के बाद भी मैं बहुत अच्छे से उसको कुक कर रही हूँ उसके बाद जो पानी था मिक्सी जार में जितना मसाला था मैंने उसमें ही पानी डाल के इसके अंदर वो सारा पानी डाल दिया उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक और नमक डालने के बाद ही बहुत अच्छे से वो करूँगी बाकी मसाले तो मैं पहले ही डाल चुकी थी तो और मसाले हमें नहीं डालने और इसमें बेस्ट फ्लेवर आपको उन खड़े मसालों का जो है ना वो आएगा सबसे यूनिक सा फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट उसके बाद से मैंने पानी डाल दिया मसाले को और कुक होने के लिए छोड़ दिया और तब तक मैं देख रही थी कि बेसन सेट हुआ या नहीं और ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसको इस तरह से बना के ट्राई करी थी जब मैं इसको कट करी थी मुझे लगा हाँ ये हो चुका है वाह मैंने तो बड़े सही से कर लिया लेकिन जब मैं इसको निकाल रही थी इस बर्तन से दूसरी प्लेट पर तो ये निकल नहीं रहा था चिपका हुआ था फिर मुझे टेंशन हो गई कि यार पता नहीं क्या बना दिया ये मैंने सब्जी बनेगी भी कि नहीं बनेगी मम्मी जी ने बोल तो दिया था कि ये बना दो ऐसे बना दो पर अब कभी कभी होता है ना अब सासू में आपको काम दे दे तो आप ये मैंने बोला था उन्हें कि मुझे नहीं आता फिर भी उन्होंने मुझे बता दिया था कि नहीं ऐसे कर देना तो अब मुझे लग रहा था कि ट्राई करके देखती हूँ क्या पता हो जाए और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कुकिंग कहाँ से सीखी कैसे सीखी तो ऐसे सीखी मैंने कुकिंग अब इसको ट्राई किया मुझसे नहीं बना पहली बार में थोड़ा सा देखिए किस तरह से गीला गीला सा हो रखा था मैं टेंशन में भी आ गई थी यार इसको कैसे सही करूँगी उसके बाद मैंने इसको सही करने की तरकीब ढूंढी कि मुझे कैसे सही करना है तब तक देखिए मसाला बहुत अच्छा कुक हुआ था मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा था और इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आ रहा था तो मैं ये सोच रही थी यार मसाला तो इतना अच्छा बना दिया मैंने लेकिन अब इसका क्या करूँ मैं इसको कैसे सही करूँ बहुत टेंशन भी हो रही थी कि इसको सही नहीं करूँगी नौ बज चुके हैं खाने का टाइम हो चुका है रात हो चुकी है फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसको थोड़ी देर और सेट होने देती हूँ दो तीन मिनट और दो तीन मिनट में उसको और छोड़ दिया ताकि वो और ज़्यादा सेट हो जाए तो यह मैंने जो गलती करी थी वो यही करी थी कि मैंने इसको सेट होने से पहले काट दिया थोड़ी देर में खुद ब खुद सेट हो गया था और थिक हो जाता थोड़ी देर में ये तो मैं अपनी गलती आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप कभी इसको बनाए थोड़ा सा टाइम दें सेट होने के लिए मैंने इसको पंद्रह मिनट दिया था फिर भी सेट नहीं हुआ था थोड़ा सा टाइम और लेना था शायद इसको और दूसरी गलती मैंने इसको किसी फ्लैट बर्तन में नहीं निकाला मतलब प्लेट में निकाल देती तो शायद जल्दी ठंडा हो जाता और सेट हो जाता मैं इसको उसी में छोड़ दिया था गर्म बर्तन में तो इसको ठंडा होने में टाइम लग गया ये दो गलतियाँ मैंने करी थी उसके बाद फिर मैंने उसी पैन को धो करके उसमें तेल डाला क्योंकि अब मैं सोच रही थी इसको फ्राई करके देखती हूँ जब मैं इसको फ्राई करने के लिए मैंने सोचा कि इस फ्राई करके देखते हैं तब मैं इसको कट करने लगी तो बहुत अच्छे से कट होने लगा ये और ना ये ऐसा लग रहा था जैसे बेसन की नहीं पनीर की सब्ज़ी है आप बच्चों तो डिफरेंस कर ही नहीं पाई जब उसने ये सब्जी देखी थी ना उसके मुझे पहले निकला था वाह पनीर बनाया आज क्योंकि पनीर उसका फेवरेट है और जब उसने खाया भी तो ये इतना सॉफ्ट बना था जो बहुत जल्दी टूट जाता है वैसे गट्टी की सब्ज़ी में वैसे बनाती हूँ जो पानी में बॉइल करके गोल गोल से कट करके तलते हैं तो थोड़ा हार्ड होता है लेकिन ये वाला बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना था गट्टे की सब्ज़ी और इसको मैंने जब फ्राई किया उसके बाद उसके टेस्ट में और चार चांद लग गए अब देखिए किस तरह से ना अभी बिल्कुल अच्छे से वो सेट हो चुका है और बहुत आराम से क्यूब्स कट जा रहे हैं उसका टेस्ट अमेजिंग आता है मैंने गलती करी स्टिल इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि बच्चों ने इसको अगले दिन के लिए मेरे से रखवा लिया कि ये सब्ज़ी मुझे कल भी खानी है उसको इतना ज़्यादा पसंद आए तो बच्चों को बहुत मुश्किल से ही कोई चीज़ पसंद आती है और इस टाइप की सब्ज़ी और उसके हिसाब से मैं मसाले यूज़ करती हूँ ताकि तीखा बिल्कुल ना हो मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ लाल मिर्च बिल्कुल नहीं करती और ग्रीन चिली का यूज़ करती हूँ तो वो खा लेती है और बच्चों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाना पड़ता है अगर बच्चे घर में हो तो तो वो उसको इतना पसंद है तो आप भी ट्राई कर सकते हो और गलतियों से हम सीखते ही हैं मैंने सोचा था इसको इस क्लिप को मैं डालूँ ना डालूँ मैंने गलती कर दी लेकिन अपने आप को दिखाना कि हम ऐसे हैं हम परफेक्ट नहीं हैं इंसान ऐसा ही होता है गलतियों से सीखता है धीरे धीरे सीखता है हर कोई परफेक्ट कुक नहीं होता एक टाइम के बाद बन जाता है क्योंकि उसको सिचुएशन ऐसी मिल जाती है जैसे अभी मुझे मिली है कि अभी मेरे पास मम्मी नहीं आ मम्मी जी ने मुझे कह दिया कि ये बना दो तो बस उनकी बात रख ली मैंने कि हाँ मुझे बनाना है तो मैं ट्राई कर रही थी खराब बना ठीक है कोई बात नहीं उसको अच्छा कर लिया हमने नहीं होता तो शायद मैं मम्मी जी के पास जाती पूछती स्कोर कैसे सही कर सकते हैं अगर वो मेरे से नहीं संभलता पर थानगोडे संभल गया उसको मैंने रोस्ट कर दिया और फिर उसके बाद इस सबको निकाल करके मैंने जो चंगस थे इन बेसन के इन सबको सब्जी में डाल दिया आप देख सकते हो बेसन गट्टे की सब्ज़ी कोई कहेगा या पनीर की सब्ज़ी दिखने में ऐसा लगेगा जैसे पनीर की सब्ज़ी बनी हुई खाने में भी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा टेस्ट था बहुत अच्छा अरोमा था तो आप इसे ट्राई दे सकते हो घर में और मेरी गलतियाँ जो है सो सीख के थोड़ा अच्छा भी बना कर ट्राई कर सकते हैं तो एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सब्ज़ी कैसी बनी अगर आपने इस तरीके से बनाई और फिर मैं नाश्ते में चना जो था ब्लैक चने होते हैं जो वो फ्राई किया प्याज डाल करके और पुच्चू फिर पढ़ाई कर रही थी रात के बारह बज गए थे इसको पढ़ाई करवाते करवाते कुछ इसका होमवर्क रह गया था वो मैं पूरा करवा रही थी और वो भी फुल कॉपरेट करी थी पढ़ने तो गाइज़ बस अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे और मुझे आशा है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपका एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा पहने रखता है मेरे लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल्स टेटी ओंड